हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का, और उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पार्टनर जब विड्रॉ करते हैं अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो वो दो तरीके से करते हैं। एक रेगुलर वीकली करते हैं सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और सेम विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरी तरह से वो कई बार होते हैं वो कोई भी अमाउंट निकाल लेते हैं और किसी भी वक्त निकाल लेते हैं। तो इस दो तरीके के बेस पे जब वो निकालते हैं तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रॉइंग इज इररेगुलर ड्रॉइंग्स, जिस पर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स में भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स इज नॉट सेम। तो जो भी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स वो निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट द टाइम इंटरवल है बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स तो कभी भी सेम नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। तो इस तरह की ड्रॉइंग्स को हम बोलते हैं इररेगुलर ड्रॉइंग्स। अब इस तरह की जब ड्रॉइंग्स होती है तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड फर्स्ट इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या देखते हैं, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विड्रॉन। तो सबसे पहले हम जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं, सपोज इसी पार्टनर ने चार बार ड्रॉइंग्स निकाली है, तो चारों ड्राइंग्स पे सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे और उनके कंसर्न पीरियड को ध्यान में रखते हुए जितने पीरियड के लिए वो यूज की गई है। तो सेपरेटली हर एक ड्राइंग का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। अगर चार बार निकाली है तो चार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे इस पार्टनर का। अगर किसी पार्टनर ने तीन बार निकाला है तो तीन बार हम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस ऑफ ईच पार्ट। तो हर एक ड्राइंग्स का हम इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर जो टोटल इंटरेस्ट होता है सभी ड्राइंग्स का उनको ऐड करने के बाद वो जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर आता है उस कंसर्न पार्टनर का। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज प्रोडक्ट मेथड, और इसमें हम कैसे निकालते हैं, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे सपोज पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग निकाली और वो आगे छह महीने तक इस्तेमाल की, तो हम उस ड्राइंग को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसे ही फिर उसने नेक्स्ट ड्राइंग निकाली, वो उसने क्या कहते हैं चार महीने के लिए इस्तेमाल की, तो हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो जितनी बार भी वो ड्राइंग करता है और वो ईच ड्राइंग कितने मंथ के लिए यूज की जाती है, उतने ही महीने से उतने ही मंथ से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो दिस इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। अगर हमें कैलकुलेट आंसर नंबर ऑफ डेज पे करना है तो हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मंथ। फिर जो प्रोडक्ट आता है द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज एडेड। फिर जितना भी जो प्रोडक्ट आता है, जितनी भी ड्राइंग्स को हम नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट आता है, तो सारे प्रोडक्ट्स को वी विल एड, और एड करने के बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं फॉर वन मंथ, यानी वन अपॉइंट ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ द आंसर जो है वो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकालना है एनुअली या इन मंथ में निकालना है सॉरी, तो हम 1/12 लेंगे यानी वन मंथ के लिए लेंगे, और अगर डेज के हिसाब से है तो 1/365 डेज के हिसाब से डेज में आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम टोटल कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 इंटू 1/12 अगर आपको मंथ में निकालना है, और अगर 1/365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। अब आती है दूसरी टाइप की ड्राइंग्स जो होती है, जब अमाउंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं ये रेगुलर ड्राइंग्स भी होते हैं, और इसमें अमाउंट सेम होता है हर बार, जितनी बार भी निकालेगा कोई भी एक पार्टनर तो वो अमाउंट जो विड्रॉइंग का वो सेम होगा ड्राइंग्स का अमाउंट, और सेम टाइम ऑफ इंटरवल होगा। इंटरवल यानी कि दो दो मंथ के गैप में निकला रहा है या चार चार मंथ के, तो हमेशा जब वो ड्राइंग्स निकाले तो उनके बीच में फोर फोर मंथ्स का या फिर टू टू मंथ का, तो जो भी गैप है दैट रिमेन्स द सेम। अंडरस्टैंड? तो वैन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, एंड द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द टू ड्राइंग दैट इज ऑल्सो सेम और यूनिफॉर्म, उस तरह की ड्राइंग्स को हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। और इसके लिए हमें जो है वो हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करते हैं और दैट मेथड इज एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, होता है टोटल ड्राइंग्स ले लेते हैं हम फॉर द ईयर की और मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड और अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि सपोज पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है सपोज फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर किया, तो फर्स्ट डे किया है यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट डे हुआ, तो वो पूरा 12 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने
मंथ रह जाते हैं, पूरे 12 महीने रहते हैं, क्योंकि उस पहले वाले मंथ की भी फर्स्ट डेट को ही किया है, तो 12 मंथ को यहाँ पर रखेंगे फिल्म। और सपोज लास्ट ड्रॉइंग उसने जो है वो 8 मंथ पे निकाली है, उसके बाद कोई ड्रॉइंग नहीं किया, तो 8 मंथ के बाद यानी 8 मंथ के एंड में निकाली है, तो फिर 9, 10, 11, 12 ठीक है, तो यानी कि कितने रह गए आपके पास, 4 मंथ्स रह गए, तो यहाँ पर लिखेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो 4 मंथ्स यहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एवरेज पीरियड, जो कि हमें चाहिए होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इन केस ऑफ रेगुलर ड्रॉइंग्स। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल दीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इसे पहले आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो किस तरह की ड्रॉइंग्स होती हैं, रेगुलर ड्रॉइंग्स और इरेगुलर ड्रॉइंग्स के केस में हम किस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो फॉलो करते हैं। तो आज जो मैं करूँगी वो इरेगुलर ड्रॉइंग्स से रिलेटेड फॉर्मूलेस बता रही हूँ, मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ, और उसमें हमने पढ़े थे दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ द ड्रॉइंग्स आर इरेगुलर एंड देयर टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स आर नॉट सेम। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फर्स्ट मेथड इज, मैंने बताया था आपको, एक सिंपल मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। तो हम दोनों तरीके से टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी विल फॉलो बोथ द मेथड्स एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स विच इज चार्ज्ड बाय द फर्म। सो द क्वेश्चन इज, पार्टनर ए है सपोज इज विड्रॉन मनी ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। जो अमाउंट निकाला है वो कैसे निकाला है उसने पार्टनर ए ने, डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को 2000 रुपीज निकाला, जून में 1 जून को उसने 2400 निकाले, 30 सितंबर को 1000 रुपीज और 31 मार्च 2020 को उसने 6000 रुपीज निकाले। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय बोथ द मेथड्स, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले हम सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सिंपल हमसे हमने ऐसे टाइम टेबल एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डेट लिखी है हमने अप्रैल, जून 1 जून 30 सितंबर 31 मार्च, तो ये हमने डेट के कॉलम में सारी डेट्स लिख ली, और जिस डेट पे जितना जितना अमाउंट विड्रॉ किया है द सेम अमाउंट वी हैव रिटन हियर। ओके, जैसे 2000 यहाँ पे विड्रॉ किया, 2400 इधर, 1000 इधर एंड 6000 इधर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2020 तक हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया था 2000 रुपीज, तो 31 मार्च 2020 को, जो कि ये ईयर कंप्लीट होगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, तो अब हमारा क्लोज होगा 31 मार्च 2020 नेक्स्ट ईयर। तो तब तक का हम टाइम पीरियड देखते हैं क्योंकि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो ड्रॉइंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनर इस्तेमाल कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो जब वो 1 अप्रैल को निकालता है तो उसने पूरे 12 महीने बनते हैं 31 मार्च तक, तो 12 मंथ्स के लिए उसने इस्तेमाल की, तो हमने यहाँ पर लिखे 12 मंथ्स। फिर ऐसे 1 जून को निकाला 2400, 1 जून से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा जो मंथ बनते हैं वो 10 बनते हैं, और फिर 30 सितंबर 2019 को निकाला उसने वो 1000 रुपीज, वो उससे 6 मंथ बनते हैं, जिससे सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ तक के लिए इस्तेमाल किया था, इसके 6 मंथ बनते हैं अब तो 31 मार्च 2020 तक। फिर 31 मार्च को निकाला 2000, तो कोई भी मंथ नहीं है क्योंकि लास्ट डेट पे विड्रॉ उसने किया था। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हर एक के। मैंने बताया था कि जब हम सिंपल मेथड कैलकुलेट करते हैं तो वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाइल कंसिडरिंग टाइम सेपरेटली, यानी फॉर ईच ड्रॉइंग के वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हर एक ड्रॉइंग के लिए निकालेंगे। तो हमने फर्स्ट ड्रॉइंग के लिए निकाला जो हमने 2000 रुपीज फॉर 12 मंथ के लिए इस्तेमाल किया, तो हम 1/12 से मल्टीप्लाई करते थे, 12/12 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% पर एनम, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो 10/100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 200 फॉर द फर्स्ट ड्रॉइंग। नेक्स्ट ड्रॉइंग हमारी 2400 थी जो कि हमने 10 मंथ्स के लिए इस्तेमाल की थी, तो 10/12 किया और मल्टीप्लाई किया 10% से, आंसर आया 200। नेक्स्ट सेप्टेम्बर को जो विड्रॉ किया था 30th को, उसको हमने 1000 रुपीज थी, उसको इस 6 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन 1/12 करते हैं, तो 6/12 कर दिया इंटू 10/100 अमाउंट इज रुपीज 50। अब 6000 को जो हम 0 मंथ था, तो 0 से अगर 0.12 करो 0 आ गया, तो इट मीन
आंसर विल बी जीरो, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी जीरो, तो इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो टोटल जब हम करेंगे तो देखेंगे 450, तो 450 रुपीज जो है दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमारा रुपीज 450 बनता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड दैट इज सिंपल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में जो है वो हम कैसे करते हैं, तो वो प्रोडक्ट मेथड में वैसे ही सारे हमने डेटा लिखे जो हमारे सेम क्वेश्चंस में दे रखे थे। यहाँ पर हमने डेट्स लिखी हैं, यहाँ पर हमने रुपीस लिखे हैं, और जितने मंथ के लिए हमने ये अप टू 31 मार्च 2020 तक जितने महीने के लिए हमने इस्तेमाल किए ये ड्रॉइंग, ईच ड्रॉइंग उसका हमने टाइम लिखा है। पर अब हम इस केस में जैसे यहाँ पर हमने सभी ड्रॉइंग्स का एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर हम निकाल लिया था, फिर टोटल बता दिया था फॉर द ईयर के लिए इतना था, पर इस केस में वैसा नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ड्रॉइंग है और नंबर ऑफ मंथ जितने के इस्तेमाल, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा 2000 × 12। ऐसे 2400 × 10, तो 2400 × 10 = 24000, इसका भी मल्टीप्लाई बाय किया तो उसका 24000 आया। इसमें 1000 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 × 6 = 6000, और 6000 को हम 0 से करेंगे तो = 0। फिर हम इनका टोटल करते हैं, दैट इज टोटल रुपीज जो है वो इस्तेमाल किए गए ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ₹254,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 54,000 रुपीज पे करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, और वन मंथ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं यानी कि 1/12 इसमें भी करेंगे। तो टोटल है 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 इनटू 1/12, ये वन मंथ का है। मंथ में निकाल सकते हैं डेज में, बट द क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है इस बार हम मंथ में निकाल रहे हैं, तो 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 675। तो दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर। अंडरस्टैंड, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क अगेन एंड राइट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस, जिससे कि जो भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।